पानी भरा हुआ है, आंखें लाल हैं और ये उसी वायरस के कारण है। और आंख से पूरी तरह रे रोशनी खो चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है इस आंख से। एक आंख से बिल्कुल आपको नहीं दिख रहा है। तो आप भी सैनिटाइज वगैरह करें ताकि बिल्कुल ड्रॉप आप डालते रहिए, और उसको डालने के बाद भी वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए ताकि ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एक न्यूज जो है कंटिन्यू वायरल हो रहा है, और एक राजा राम मोहन राय की छात्रावास से जो है लोगों को एक वायरस इस प्रकार से जकड़ा हुआ है कि वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और जो है एग्जाम के दौरान, एग्जाम शुरू होने से कुछ ही देर पहले उन्हें जो है ये वायरस जो इतना इफेक्टिव करता है, इतना इफेक्ट करता है कि जो है उन्हें देखना वो देख नहीं पाते हैं, और जो है वो एक तरह से कहें तो अंधे होने लगते हैं। और इस पर देखिए कुछ लोग मौजूद हैं और हम उसी कैंपस में मौजूद हैं, और जब कैंपस में मौजूद हैं तो हम जो है कि थोड़ा सा डर तो हमें भी लग रहा है भैया कहीं हमें ना हो जाए, लेकिन इसीलिए हम भी जो है चश्मे का उपयोग कर रहे हैं, और हमारे कैमरामैन भी जो है पूरी तरह से सेफ है इसके मामले में। तो अभी हम छात्रावास में हैं, और कौन से छात्रावास में हम बता दें आपको, राजा कौन से छात्रावास भैया? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय छात्रावास में है। तो आइए जानते हैं इनसे कि आखिर ये जो है वायरस कैसे फैला है, और इसी छात्रावास में फैला है या पूरे कैंपस में है, और क्या नाम पड़ेगा आपका? जी मेरा नाम सुजीत है। सुजीत नाम है आपका, क्या हुआ था पहले ये बताइए मुझे। पहले तो ये नॉर्मली लग रहा था, हमें लगा कि आंख लाल हो रही है, कुछ कीड़ा वड़ा चले गया है, इसलिए दो तीन लोगों को ऐसा सफर हो रहे थे। उसके बाद रिसेंटली फिर देख रहे हैं धीरे 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 30-40 लोगों में ये फैलता गया, आंखें लाल होती गई और किसी को दिखने में सबको प्रॉब्लम होने लग गई। तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर कंसल्ट करने के बाद पता चला कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कंजुक्यूटिव वायरस कहते हैं इसे, उसी के कारण हमारे आईज रेड हो चुके हैं और देखने में बहुत तो प्रॉब्लम हो रहा है। जैसा कि देख सकते हैं मेरा ये आँख इन्फेक्टेड है फिलहाल, और ये ऐसे छूने से ही इस आँख में भी हो सकता है, इसलिए बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है। तो ये फैल कैसे रहा है, एक दूसरे के संपर्क में आने से या फिर ऐसे ही माहौल की वजह से फैल जा रहा है? ये तो हमें भी अभी पता नहीं चल पा रहा है कि ये पानी के कारण हो रहा है या कीचड़ के कारण हो रहा है। ये हमने होली भी खेली थी, होली के समय तो देख रहा हूँ कि उन्हें भी हो चुका है, जो बच्चे नहीं थे जो घर चले गए होली खेल करके उन्हें भी ये प्रॉब्लम है। तो इसका साफ साफ पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि हॉस्टल में व्यवस्थाएँ बहुत ख़राब है, जैसे पानी की सफाई नहीं हो पाती है ठीक से, साफ सफाई जैसे अभी जैसे ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पानी की सफाई नहीं हो पाती है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ समस्या हो रहा है कि आरओ सही से साफ नहीं हो पा रहा है पानी का, और ये हॉस्टल सही से साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जबकि इसे संज्ञान में आया तब ये लाइटली ले रहे हैं क्योंकि मोदी जी आने वाले थे, सोचे उसके बाद किया जाएगा, फिर भी हम लोगों ने बलपूर्वक सब सर को ज्ञापन दिया, फिर सर ने एक्शन लिया, इसे साफ सफाई कराया गया, अभी जा करके थोड़ा सा ठीक है, ठीक तो नहीं कर सकते, बच्चे सभी जा चुके बाहर जिनको जिनको हुआ था प्रॉब्लम कि वो ज्यादा नहीं। तो क्या इसमें जो है किसी को कुछ कम प्रॉब्लम, किसी को ज्यादा भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या? जी ऐसा कुछ नहीं है, सबको सेम प्रॉब्लम हो रहा है। जी देखना बिल्कुल बंद हो जा रहा है, सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है, आंख से पानी आ रहा है, आंख दर्द हो रहा है, ये ऐसी समस्या है। सोचिए ना, ये जो है एग्जाम के कुछ ही देर पहले इतना ज्यादा बढ़ गया कि एग्जाम को रद्द करना पड़ गया। एग्जाम था ना जी आप लोगों का? जी हमारा एग्जाम था और अभी एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है इसी ये विषय देखते हुए, क्योंकि सारे बच्चे इस छात्रावास के एफएसएस मतलब फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के जितने संकाय के बच्चे हैं वो अफेक्टेड, इस कारण हमारा एग्जाम सामाजिक विज्ञान के जितने बच्चे हैं लगभग सारे इफेक्टिव हैं। सभी ये हॉस्टल उन्हीं को अलॉट होता है तो सभी बच्चे वो अफेक्टेड हो चुके हैं। अच्छा देखिए ना, जितने लोगों को ये इफेक्टिव किया है, जितने लोगों पर ये इफेक्ट पड़ा है उन्होंने चश्मे लगाए हुए हैं, और देखिए ये भाई साहब ने भी चश्मे लगाए। क्या नाम पड़ेगा आपका? रूपेश। आपको भी ये समस्या हुई है? हाँ। कब से हुआ आपको ये समस्या? 19 मार्च को ये समस्या हुई है, और लगभग आज 25 मार्च है, 6 दिन लगभग 1 हफ्ते हो गए, उपचार हो गया आपका? हाँ मैंने, हाँ। क्या बोले डॉक्टर ने? उन्होंने दवाई दिया, ड्रॉप दिया, मैं ले रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ जो उन्होंने गाइडलाइंस। अभी भी प्रॉब्लम हो रही है देखने में? हाँ देख सकते हैं मेरी आँख में अभी भी इस आँख में प्रॉब्लम है। देख एक बार इनकी आँख को नजदीक से दिखाइए जरा, देखिए आँख में जो है पानी भरा हुआ है, आँखें लाल हैं, और ये उसी वायरस के कारण है, और फिलहाल कुछ स्थितियाँ ठीक हैं इस कैंपस की, और हम भी जो है चश्मे का प्रयोग करके जो है इस वीडियो को बना रहे हैं। और इधर एक बार दिखा दीजिए, देखिए यही वो छात्रावास है, और इस छात्रावास में बहुत सारे छात्र हैं, जिसमें से सुनने में आया था कि 50 छात्र इफेक्टिव हुए हैं इस चीज़ से, इसी कैंपस में या पूरे कैंपस में फैला हुआ है ये? पूरे कैंपस में नहीं, बस ये हमारे हॉस्टल के में ही फैला हुआ है। सिर्फ आप ही के हॉस्टल में फैला हुआ है? जी ये राजा राम मोहन राय में फैला हुआ है। आखिर दोस्तों आखिर कारण क्या है कि सिर्फ राजा राम मोहन राय के जो छात्रावास है उसी में फैला हुआ है, बाकी BHU के किसी भी कैंपस किसी भी जो है छात्रावास में नहीं फैला हुआ है? तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आप लोगों को कि जानबूझ के किया गया या फिर किसी की कमी हुई है इसमें? जी ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि जानबूझ के हुआ है, क्योंकि जिस तरह यहाँ के हालात है फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये वायरल हो चुका है हमारे सबके एक दूसरे के छूने इसके कारण, जैसे कि हम पानी आँख से गिर रहा है,
तो हमारा टावल कोई अगर यूज़ कर ले रहा है ऐसे में, हमारा तकिया पे गिर रहा है तो कोई ऐसे छू ले रहा है, उसके कारण अगर जो हाथ लगा ले रहा है तभी ये ऐसे वायरल हो जा रहा है। कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत बचाना पड़ रहा है, यूँ कह सकते हैं। जी जी, जो इफेक्टिव नहीं है उनको भी अपने आप को खूब बचाना पड़ रहा है। ये बिल्कुल कोविड के तरह हमें प्रिकॉशंस इसके लेने पड़ रहे हैं, सैनिटाइज करना पड़ रहा है हमेशा, सबसे दूरी बनाए रखनी पड़ रही है। हम लोग चुपचाप हॉस्टल के अंदर ही हैं, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ना पढ़ाई हो पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है। सोचिए ना, हम कहते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में अगर छात्रावास में आप आते हैं तो भैया पढ़ने का उद्देश्य होता है, एक ही उद्देश्य है भैया, पढ़ना है, पढ़ लिख के कुछ बनना है। और इस प्रकार के वायरस से जब ये लोग इफेक्टिव रहेंगे, इफेक्ट पड़ेगा ये लोग को इस प्रकार के वायरस से, तो पढ़ाई कहाँ तक हो पाएगी, खुद को बचाने में ही परेशान रहेंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस पे ध्यान देना चाहिए, हमारे मीडिया को भी आके ये कवर करे, और ताकि जल्द से जल्द ये बच्चों पे सुधार हो। वैसे डॉक्टर की एक टीम आई थी, बस उन्होंने हवाबाजी में सारे बात करके सब चले गए, ऐसा कोई इलाज नहीं हुआ। जी जी, कोई ठोस कदम अभी तक नहीं लिया गया है। इसको कम से कम ठीक होने में 15 से 20 दिन लग जा रहे हैं, जो कि अभी तक हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा मेरा ये 5वां दिन है और मैं इस आँख से पूरी तरह ये रोशनी खो चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है इस आँख से। एक आँख से बिल्कुल आपको नहीं दिख रहा है? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस मैं एक आँख से किसी तरह देख रहा हूँ, इसलिए चश्मा का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी सैनिटाइज वगैरह करें ताकि। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम ब्रज किशोर मिश्रा है। आप भी इफेक्टिव है क्या? जी बिल्कुल, पिछले 5 दिनों से हमको हुआ है ये, और आँखों में रेडनेस सही बनी हुई है। हालांकि कल डॉक्टर की टीम आई थी, उन्होंने कहा था कि आप लगातार जो लिखा गया है आई ड्रॉप आप डालते रहिए, और उसको डालने के बाद भी वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए ताकि ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि डॉक्टर भी इस पर खुद कंफ्यूज है अभी तक। और वो खुद इस पर मतलब शुरू तो वो बोले कि कंजक्टिवाइटिस है, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि जब हम लोग को बचपन में हुआ करता था तो वो मुश्किल से 3 से 4 दिनों में ठीक हो जाया करता था, और वो गाँवों की मात जो मामूली होती थी जो मतलब दुकानों पर उस तरह की दवाई मिलती थी उससे ठीक हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर कई छात्र ऐसे हैं, और खासकर मैं खुद ही उसमें जो 2200-2300 के वहाँ से लेकर सुंदरलाल से हम लोग लेकर, और हेल्थ सेंटर में कुछ दवाइयाँ उपलब्ध भी नहीं है, तो उसको हम लोग बाहर से लेकर दवा खा रहे हैं, लेकिन पिछले 5 दिनों से कोई सुधार नहीं है और रेडनेस लगातार बनी हुई है। सोचिए, एक लोग को नहीं, दो लोग को नहीं, 3 लोग को नहीं, पूरे पूरे 50 लोगों को इफेक्टिव किया है, और 50 लोगों में से कोई एक भी छात्र जो है सुरक्षित नहीं है, और जो है अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक जांच नहीं हुआ है कि आखिर ये मामला क्या है, आखिर ये वायरस कैसे फैल रहा है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी इनको एक बार फिर से देख लीजिए, इनको एक बार फिर से देख लीजिए, ये लोग पढ़ाई करने के लिए आए हैं कि इस प्रकार की घटनाओं को झेलने के लिए आए हैं। बाकी वीडियो में यहीं तक रखेंगे, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं, और हम भी अपने आप को बड़े सुरक्षित महसूस करना चाहेंगे यहाँ पर आने के बाद, कहीं हमें भी वो चीज़ ना हो जाए, तो हम सैनिटाइज करते हुए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।